हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। 10th जून की फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी करंट अफेयर्स है और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किए गए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं फटाफट। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इसके अलावा ये हमारे प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल और टेस्ट सीरीज कोर्सेज है जिनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रखी है जिसमें 12 टेस्ट है, ईच टेस्ट कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट मंथ्स, तो 12 मंथ के लिए 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहां पर अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहां पर बोला गया है कि दिस इज, इसमें से कौन सी करेक्ट है, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर के। तो इंडिया का ये फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें कई सारे वेस्ट के बारे में बात की गई है, जैसे हजार्डस वेस्ट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गई या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गई या जितनी भी तरीके की वेस्ट हो सकती है, इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये गुजरात नहीं, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हो जाएगी यहां पर, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ऊपर में मॉनिटरिंग की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, तो करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक भी की जा रही है, हजार्डस वेस्ट बारे में भी किया जा रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बारे में अगर कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो देखिए लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, साथ में हजार्डस वेस्ट के मूवमेंट के मॉनिटरिंग के ऊपर ये रियल टाइम डेटा यूज कर रहा होगा। आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये हैंडल किया जाएगा और यहां पर जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए या हजार्डस वेस्ट हो गए इनके बारे में ये डेटा कलेक्शन कर रही होगी। इसके साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में, तो रॉटरडैम कन्वेंशन और साथ में याद रखिएगा बेसिल कन्वेंशन के बारे में। ये दोनों कन्वेंशन ही बेसिकली, रॉटरडैम कन्वेंशन हो गया जो कि एक तरीके से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में ये यूज कर रही होती है, मतलब ये इसके अगेंस्ट में, और बेसिल कन्वेंशन ट्रांसफर ऑफ या फिर कह लीजिए ट्रांस मूवमेंट ऑफ हजार्डस केमिकल के बारे में, तो ट्रांस मूवमेंट हजार्डस केमिकल, ये दोनों के दोनों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें से किसकी कैपिटल मोर देन वन है, मतलब मोर देन वन कैपिटल है। तो उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की अभी रिसेंट में न्यूज आई है जहां पर गैंडसैंड को बना दिया गया है सेकंड कैपिटल, इसके अलावा देहरादून भी इसकी एक कैपिटल है। जम्मू एंड कश्मीर में पता ही है आपको कि जम्मू और श्रीनगर बेसिकली दो इसकी राजधानियां या फिर कैपिटल होती है। आंध्र प्रदेश में बेसिकली थ्री कैपिटल प्रपोज्ड है, तो तीन कैपिटल का मतलब हो गया एक कैपिटल है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होता है या फिर इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कैपिटल बोल सकते हैं। ये कैपिटल जो बनाया गया है उसे बनाया गया है अमरावती को, दिस इज नॉट अमरावती, ये बनाया गया है वाइजैक को, विशाखापत्तनम को। दूसरी लेजिस्लेटिव कैपिटल होती है, लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाई गई है अमरावती को जो कि प्रपोज्ड है, कह लीजिए चलेगी यही। इसके अलावा जुडिशियल कैपिटल भी बनाई गई है और जुडिशियल कैपिटल जो बनाई गई है वो है कुरनूल को, कुरनूल को, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन प्रपोज्ड है जिसको कि अभी फाइनल मंजूरी नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये प्रपोज्ड है, कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, नियर फ्यूचर दिस इज गोइंग टू हैपन, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटका में अगेन तो दो कैपिटल होती है, एक कैपिटल है जो इसकी नॉर्मल बेंगलोर कैपिटल है ही है, साथ ही साथ बेलगांव भी इसका कैपिटल है, बेलगांव में भी इसकी कैपिटल बनाई गई है जो कि अगेन एक प्रपोज्ड कह लीजिए कि कैपिटल है। साथ ही साथ एक और बनाई गई है जो है मैसूर कैपिटल। तो ये बेसिकली तीन कैपिटल है बट अगेन ये प्रपोज्ड है, तो दीज आर प्रपोज्ड कैपिटल्स, साथ में ये भी प्रपोज्ड कैपिटल हो जाएगी। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र आती है, महाराष्ट्र में आपकी नागपुर और साथ में मुंबई, ये दो कैपिटल हैं जो कि समर विंटर के हिसाब से काम कर रही होती है। तो बेसिकली प्रपोज्ड में कर्नाटका आ जाएगी, आंध्र प्रदेश हो जाएगी और बाकी जितने भी हैं 1, 2, 5 यहां पर ऑलरेडी हैं, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए नन ऑफ द इज आंसर हो जाएगा, आंसर इसकी 1, 2 एंड 5 हो जाएगी, बाकी सारी प्रपोज्ड में आ जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी गैरसैंण को उत्तराखंड का समर कैपिटल नियुक्त कर दिया गया है, ये चामोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनफैक्ट ये अगर उत्तराखंड आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, तो जो देहरादून है बेसिकली वो सेंटर्ड नहीं होती है, मतलब कि वन साइडेड है, और जबकि गैरसैंण जो होता है वो सेंटर्ड है, इस वजह से गढ़वाल रीजन को प्रॉपर फोकस देने के लिए गैंडसैंड को बना दिया गया है। इट वुड बी एन आइडियल सीट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव, जो असेंबली है वो देहरादून में जैसे बैठती है वैसे ही बैठती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नैमिषा के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नैमिषा ये एक
बेसिकली आर्ट एंथुजियास्ट को क्रिएट करने के लिए, उनको और प्रमोट करने के लिए एक कह लीजिए कि प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जहां पर इट विल प्रोवाइड अ चांस टू पार्टिसिपेंट्स एंड आर्ट एंथुजियास्ट टू क्रिएट एंड लर्न फ्रॉम प्रैक्टिसिंग आर्ट। ये जो किया जा रहा है वो वर्चुअल मोड में किया जा रहा है, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल मोड में किया जाएगा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया जा रहा है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है जहां पर पार्टिसिपेंट्स वगैरह आपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आर्टिस्ट फॉर्मेट में, वर्चुअल मीडियम में इसको किया जाएगा। इसमें कई सारे ऑनलाइन वर्कशॉप सेशंस लॉन्च किए जाएंगे, जैसे पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गई, प्रिंट मेकिंग हो गई, इस तरीके की चीजें की जाएंगी। ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट के द्वारा, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसी के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम कर रही होती है। इसमें कुछ प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए, जैसे एक प्रोग्राम है सोहम प्रोग्राम, जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा लॉन्च किया हुआ है। इसी प्रोग्राम के तहत ये अलग अलग तरीके के मतलब इनिशिएटिव लिए जा रहे होते हैं। इस बॉडी के बारे में अगर बात कर ले नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है ये, और ये 1954 में एस्टैब्लिश की गई थी। साथ ही साथ जयपुर में इसका एक म्यूजियम अवेलेबल है, जहां पर ये पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हर एक आर्ट के बारे में की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बॉडी के बारे में अगेन इंपॉर्टेंट हो जा रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट मिनिस्ट्री आ जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोविड बीप के बारे में। तो ये बेसिकली जो कोविड बीप है, इसके बारे में ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, ऊपर देखिए आई बटन बन के आ रहा होगा, वहां पर कोविड बीप के बारे में बताई गई है, जिसको कि आप देख सकते हैं। यहां पर फिलहाल बात करें तो इट इज एन इंडिजिनस वायरलेस साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, यस दिस इज करेक्ट। लेकिन ये एप्लीकेशन मेती के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, बल्कि ये आईआईटी हैदराबाद और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, इसके आंसर केवल और केवल वन करेक्ट हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए कि ये बेसिकली मरीज की जितनी भी बॉडी फंक्शन है उसके बारे में चेक करेगा, ईसीजी वगैरह देखेगा, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर वगैरह को नाप रहा होगा। डेवलप किया गया है ईएसआईसी के द्वारा, एम्प्लॉई स्टेट कॉर्पोरेशन के द्वारा, और ये आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर के किया गया है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी हेल्प किया हुआ है। लॉन्च करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन ने किया हुआ है, ठीक है। कोविड बीप स्टैंड क्या इसका फुल फॉर्म है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है अर्पित के बारे में। अर्पित जो होती है एक नेवल शिप, नेवल नहीं है ये, बेसिकली एक एयरशिप है, और इस वजह से इसका आंसर डी हो जाएगा, दिस इज बेसिकली एयरशिप। और ये जो होते हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया, इसके बारे में अगर देखें तो दिस इज एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ये डिजाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। इससे जितने भी क्रिटिकल पेशेंट हैं, जो कि बहुत सारे इन्फेक्टिशियस डिसीज, जैसे कि जो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में, जैसे फ्रॉस्ट बाइट वगैरह के कारण से अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट हो जाता है, तो उसको ये ले आने का काम, उसको ये इवैक्यूएट करने का काम करेगी। It has a transparent and durable cast perfect for enhanced patient visibility, which is larger, higher and wider than the existing model. Arpit uses, ये use कर रही होती है इस सारे class filter और invasive ventilation को use कर रही होती है। इतना ज्यादा detail आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है ये किसके द्वारा किया गया है और इसका काम क्या है, ठीक है। Next question के बारे में, forex reserve के बारे में है। फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज होती है। करेक्ट स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फॉरेक्स मार्केट को देख रही होती है, लेकिन ये आरबीआई को सारा का सारा जिम्मेदारी दी हुई है, मतलब आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन कर रही होती है। अगर सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करें, फॉरेक्स रिजर्व हैव रिपोर्टेड कंटिन्यूअस इंक्रीज, नहीं कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है लेकिन फिर डिक्रीज देखने को मिला है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इस तरीके की स्टेटमेंट यूपीएससी की फेवरेट स्टेटमेंट होती है, इसलिए यह ध्यान रखिएगा अब से आगे जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़े, तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट केवल और केवल ए ओनली हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए आरबीआई एक्ट 1934 के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, जहां पर फॉरेन करेंसी असेट्स के फॉर्मेट में या गोल्ड के फॉर्मेट में या कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, बॉन्ड पेपर हो गया, इनके फॉर्मेट में रखी जा रही होती है आरबीआई के पास में।
64% ऑफ फॉरेन करेंसी आज की डेट में सिक्योरिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखी गई है, ठीक है। बाकी 28% जो होती है वो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स में रखी डिपॉजिटेड है, 7.4% जो होती है कमर्शियल बैंक अब्रॉड में है, और इंडिया जो होता है 653 टन ऑफ गोल्ड मार्च 2020 तक रखा हुआ है। हालांकि इतनी डिटेल आपको जरूरत नहीं है जानने की, बट हाँ ये परसेंटेज शेयर आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी बन सकते हैं कि जो हम लोग फॉरेक्स रिजर्व रखे हैं उसमें एसडीआर कितना है, गोल्ड कितना है, मतलब इनका सीक्वेंस कैसा है, एसडीआर फिर गोल्ड फिर ट्रेजरी बिल, तो क्या चीज है। तो इंडिया का सबसे ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्टेड है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। एसडीआर लास्ट में आती है। ये वो रिपोर्ट है जो कि आरबीआई के वेबसाइट से लिया गया है, जहां पर फॉरेक्स के बारे में दिखाया गया, लास्ट 5 ईयर के बारे में बताया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं पहले ठीक ठाक है, फिर राइज देखने को मिला है, लेकिन फिर अप के बाद फिर डाउन देखने को मिली है। ये डाउन जो है वो 2018 टू 2019 के बीच का है, और ये डिक्लाइन ही कंटिन्यूअस इंक्रीज को ये गलत बोलता है। तो ये है बेसिकली, यहां से आप देख सकते हैं कि ये गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है कि यहाँ पर अलग अलग बाउंड्री फॉल्ट दिए गए थे और इसको आपको सीक्वेंस में लगाना था। पहले इसके डिटेल के बारे में चेक कर लेते हैं, तब आपको अपने आप इसका आंसर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स ये निकली हुई थी इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पर 8 मोर अर्थक्वेक सेंसर एनसीआर में इंस्टॉल करने की बात हो रही है, क्योंकि लगातार यहां पर अर्थक्वेक की जो आने की संभावना है वो बढ़ती आ रही है। अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए हमारे पास 4 फॉल्ट हो जा रहे होते हैं। ये 4 फॉल्ट बेसिकली होते हैं, एक होती है जो हिमालयन रेंज में है, तो हिमालयन रेंज और इस हिमालयन रेंज से सेकेंड जो यहां से निकलती है उसके बीच में होता है, एक फॉल्ट नंबर 1 होती है यहां पर। फिर यहां पर इंडस रिवर के साथ में एक और दूसरी फॉल्ट होती है, तीसरी फॉल्ट होती है, फिर चौथी फॉल्ट शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है MBT, सेकेंड नंबर पे आ जा रही होती है जो ये इंडस यारलंग सचर जोन है। फिर थर्ड नंबर पे आ जा रही होती है आपकी MCT, दिस इज बेसिकली MCT, और लास्ट में आ जा रही होती है HFF। तो बेसिकली अगर इसके सीक्वेंस को देखेंगे तो सबसे पहले आप बोल देंगे कि ये MBT आ रही है, फिर उसके बाद से ये आ जा रही है सेकंड नंबर, वन सेकंड, दिस इज सेकंड नंबर, मतलब कि थर्ड नंबर पे फिर आ जाएगी सेंट्रल, और फोर्थ नंबर पे हो जाएगी जो आपकी हिमालयन फ्रंट फॉल हो जा रही होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर अगर आंसर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगी आपकी 1, 4, 2, 3 ये देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर None of the above हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी या कोई सजेशन होती है तो आप इन सोर्सेस का यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।